एबीपीएस न्यूज टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक कुंदर के स्थित कोंदारी गांव पहुंची। लगभग 16,000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान मैत्री प्रधान द्वारा अनेक तरीके से विकास कार्य गाँव में किया गया है। उनके द्वारा गाँव में सीधी सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही साथ गाँव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा शौचालयों का निर्माण भी गाँव में कराया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों के पथ प्रकाशन के लिए सोलर लाइटें भी लगवानी है और गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था भी सड़कों किनारे की। अगर ग्रामीणों को लाभ की बात करें तो गांव में आने वाले सभी तरह के लाभ जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को सभी तरीके के लाभों से ग्राम प्रधान द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं, जबकि बिजली की सेवा को दुरुस्त करने के लिए बिजली के पोल व बिजली के ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए। बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी पाठशालाओं में इस गाँव में मात्र 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करता है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से प्रधान ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गाँव में पंचायत भवन व स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, जिसको सरकार पूरा करे। हाँ, मैं ग्राम पंचायत कोंडरी का ग्राम प्रधान हूँ और लगातार 3 बार से हम प्रधान हैं और हमने गांव में अच्छे कार्य कराए हैं और सीसी टाइल्स के रोड भी हमने बनवाए हैं और स्कूलों में साफ सुथरा वातावरण हमने किया है और उनकी बाउंड्री शौचालय वगैरह को सही तरीके से हमने स्थापित करा दिया है और जो कार्य हमारी नज़र में आते हैं हम गांव में तुरंत उनको स्वयं देख करके करा देते हैं और किसी गांव वाले को कोई परेशानी हमारे स्तर से नहीं होती है। हमारे यहां शौचालय हमने 600 शौचालयों का निर्माण कराया है, जो गांव में अब बाहर जाने वाले व्यक्ति शौचालय बाहर करने के लिए नहीं जाते हैं, उन पर पूर्ण तरीके से हम रोक लगा रहे हैं। और हमारे ग्राम पंचायत में 3 गाँव आते हैं, हमने 2 गाँव को ODF करा दिया है, 1 गांव में SC की जो ज़्यादातर संख्या है उसमें हमने 300 शौचालय बनवाए हैं, 200 की वहाँ पर अभी और डिमांड है। और हैंडपम्प की मसला ये है कि हमने हैंडपम्प काफ़ी प्रयास करने के उपरांत लगवाए हैं और अभी भी कुछ हैंडपम्पों की हमारे यहाँ 50 हैंडपम्प की ज़रूरत है, जिसको हम किसी भी तरीके से लगवाना चाहते हैं। और नाली खरंजा, टाइल्स निर्माण, ये सारे हम अपने ही खाते से, ग्राम निधि खाते से और नरेगा द्वारा कराते हैं। और हमारे यहाँ बाकी किसी विधायक या MP द्वारा कोई कार्य नहीं कराए गए हैं, सारे कार्य ग्राम प्रधान द्वारा ही कराए गए हैं। और हमारी प्राथमिकता ये है कि गांव में जितने भी झगड़े या रगड़े होते हैं सबको हम स्वयं ही निपटाते हैं, हमारे यहाँ से कोई भी कोर्ट कचहरी नहीं जाता है और हम बैठ के स्वयं निपटा देते हैं। अब भी हमारे यहाँ ग्राम में विकास कार्य चल रहा है और हमारा ये है कि गांव में किसी को कोई परेशानी नहीं हो।